सालों से हिलाते आ रहे हैं, मैस्टरबेट करते आ रहे हैं, अब जाके पता चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आइए बने, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मैं उनके ऊपर हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता हूँ। तो इस वीडियो में भी एक कमेंट है, पहले हम वो कमेंट पढ़ते हैं, फिर बाद में उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए फिर उस बारे में बात करेंगे। तो ये भाई बोल रहे हैं, सर मैं 22 साल का हूँ, मैं पिछले 8 साल से मैस्टरबेट कर रहा हूँ, यानी हिला रहा था दिन में एक दो बार, अब दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी सर। सेकंड कमेंट इन्होंने ये कर रखी है, मैं अब मरने के बारे में सोच रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो देखो, मरने का ये सोल्यूशन नहीं होता, इसके लिए आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। लाइफ में अगर आप ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके ख्याल है वो दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स देखने को मिलेगा। देखो, लगभग हर एक इंसान अपनी अपनी एज में कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है, जैसे कि ये भाई ने की, हमने भी की, सभी ने किए। ये मैस्टरबेट करना एक लत होती है, क्योंकि अपनी एज में हर एक इंसान करता है। जब वो इसमें घुस जाता है, उसकी लत जब लग जाती है, तो इस टाइप के थॉट्स आते हैं और कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही, भाई दाढ़ी नहीं आ रही, मूछ नहीं आ रही, आपकी हेल्थ डाउन है, तो इसको पहले तो आप छोड़ने के लिए आप डिसीजन लें, भाई मैं छोड़ने वाला हूँ, बाद में फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आप कैसे छोड़ सकते हो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपकी दाढ़ी नहीं आ रही, मूछ नहीं आ रही, आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, तो उसके बारे में आप सोचें। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, और जो आप अच्छी नींद लें, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा। और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए आप सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट का यूज़ आप कर सकते हो, इससे आपकी पूरी भरपाई हो जाएगी। या फिर आप अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ पी सकते हो, जिससे कि आपकी अंदरूनी शक्ति वापस आ जाएगी और आपकी मसल्स तेज़ी से इंक्रीज होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि हिलाने को कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी लत होती है जो कि भाई बड़ी मुश्किल से, मतलब इतना आप कोशिश करोगे उतनी आप दूर होते जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे दूर नहीं हो पाओगे। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि भाई बस आज और कर लूँ, कल से नहीं करूँगा, करने के बाद आप ये सोचते हो, यार मैंने ये क्या किया, ये गलतियाँ मैं कब तक करूँगा, आप खुद पर शर्म फील करने लग जाते हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ज़रूर उसको छोड़ सकते हो, अगर आप नहीं सोचते हो फिर आप कभी नहीं छोड़ सकते हो। इसको छोड़ने का कोई टैबलेट, कैप्सूल, मेडिसिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और आपको मोटिवेट होना है कि अगर आपकी बॉडी आप हाथों से निकाल रहे हो, आप मतलब कि दाढ़ी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बालों की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बॉडी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी है और आपका पूरा लुक्स है बिल्कुल डाउन में चल रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। पहले आप खुद देखें कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इससे फिर आप छोड़ सकते हो। इसको छोड़ने का ओनली एक तरीका होता है कि आप आपके ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर ले, जैसे कि आप वर्कआउट पे डाइवर्ट कर ले। आपको मसल्स ग्रोथ करनी है तो आप वर्कआउट पे फोकस करें, भाई मुझे बस वर्कआउट ही वर्कआउट करना और ये काम नहीं करना। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आप स्टडी पे फोकस करें कि मुझे ये बनना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी स्टडी करनी है, तो मुझे ये फालतू काम नहीं करना। जब तक आप उसको खुद छोड़ने का डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। ये एक ऐसी लत है जिससे हर एक इंसान गुजरा है और लाइफ में सभी ने ये प्रॉब्लम फेस की है। तो भाई ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको पता है भाई ये करने से मुझे कितने सारे नुकसान होते हैं। तो आप ये छोड़ के आपकी बीड भी ग्रोथ कर सकते हैं, यानी आप ब्रह्मचार्य का पालन करना चालू कर दें, आप ये फालतू का काम ना करें। और ये आपका करने का मन कब करता है, जब आप गंदी मूवीज वगैरह देखते हो, या फिर गंदे सीन्स देखते हो, या फिर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं जिसके, जो कि आप यंग एज में होते हो सकता है भाई ये सभी के लिए ये आम बात होती है, क्योंकि यंग एज में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और मर्दानगी उभर के आती है, तो उस टाइम पे आपकी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आप इसका छोड़ने का डिसीजन लें और आप किसी अदर चीज़ पर फोकस कर लें, आपके गोल पर, जिसको कि आप अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आप इसको छोड़ दें। बाकी जो आपकी कमेंट्स है मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और जो आप ब्रह्मचार्य का पालन अगर आपने 6 या 7 महीने कर लिया, तो आपकी दाढ़ी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और दाढ़ी उगाने के लिए आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। मुझे पता है मेरा फेस थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने आज ही शेविंग की है, और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, A to Z Beard ग्रोथ ट्रीटमेंट, यानी स्टार्टिंग लेके एंड तक। मैं आज से मैं क्या लगाना चालू करूँगा, मैंने दाढ़ी की शेविंग की, आज से मैं क्या लगाना चालू करूँगा और मेरी कब तक कितनी बड़ी दाढ़ी हो जाएगी, वो आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा।
सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।